अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और इस टाइम पे मेरी आँख खुल चुकी थी सहरी में। सबसे पहले मैंने जो है फटोफट जो है नफाइल पढ़े, और नफाइल पढ़ के अभी मेरी किचन में तैयारी शुरू है सहरी बनाने के हवाले से। शायन वाले काफ़ी देर तक जागे थे, जिसकी बनिस्बत अभी उसकी आँख नहीं खुल रही है। बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो प्यारे बहन भाई, आप सबको मैं बताती चलती हूँ कि मेरी जो रूटीन होती है रमज़ान में, सबसे पहले सहरी को उठ के मैं जो है तकरीबन 4 से 6 नफाइल जो अदा कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा बैठ के अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चल के जो है सहरी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो इस टाइम पे ऑलरेडी हमारे पास हर चीज़ जो है बिल्कुल तैयार है, बस मैं पराठे बनाने में लगने वाली हूँ। तकरीबन तवा गर्म हो चुका है, और फिर जो है आगे का भी सेटअप आप सब से शेयर करते हैं। तो आप बताएं, आप सब उठ गए हैं, आप सबकी आँख खुल गई है सहरी में, और खाना ना पकाने की तैयारियाँ हो रही हैं। आप सहरी जो है मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, और अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है जो आँख भी मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ खुल गई, और मैं जो है उठी, और इस टाइम पे सहरी वगैरह तैयार है। बस अभी जो है इंशाल्लाह सहरी वगैरह खाते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा जिक्र वगैरह होगा, जब तक फिर अजान होगी। तो आप सबको मैंने इलायची के दानों के हवाले से बताया था, तो क्या आप लोग ने इलायची के दाने इस्तेमाल किए या नहीं किए। जिस जिस प्यारे बहन भाई ने अब तक नहीं किए, वो ज़रूर करें, आफाका आप सबको मिलेगा, और उससे सारा दिन जो है आप लोग का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त गुजरेगा। सहरी में उठा था और उमर साहब ने रोज़ा रखा था 12 बजे तक, और अभी आके उमर साहब ने रोज़ा खोल लिया है। बहुत इसको मज़ा आया, लेकिन बड़ी इसको भूख लगी थी ज़ोरों शोर। 1 बजने का टाइम हो चुका है, तो जो है अजान हो जाए नमाज वगैरह पढ़ के, तो मैं इंशाल्लाह निकलती हूँ चौक पे, और फिर वापसी का जो भी सेटअप होगा वो आप सबसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ही करते ही मैंने फट से मशीन लगा दी, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा सहरी के फ़ौरन बाद कपड़े धुल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी से जाग रही थी, अल्लाह का शुक्र है लाइट भी नहीं गई, और मेरे जो है कपड़े भी तकरीबन धुल गए हैं। अभी बस आखिरी चक्कर रह गया है, इंशाल्लाह इसको भी निपटाते हैं, और फिर उसके बाद जो है मशीन वगैरह धो के, और फिर मैं कुछ देर आराम करूँगी, और फिर इंशाल्लाह 12 बजे उठ के मैं काम पे निकल जाऊँगी। हो चुका है, इस टाइम पे जो है जॉब के लिए चलती हूँ इंशाल्लाह, और वहाँ जॉब से आप सब रोजा खोलने आने हैं, तो आ जाइए, तो देखें कितना बड़ा मूड मनाया हुआ है।